नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की और बता दें कि खबर बागेश्वर से है, जहां कपकोट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 100 करोड़ की 37 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बागेश्वर में आयोजित मातृ शक्ति उत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री इन लोगों से बेटियों के लिए कन्यादान से पहले विद्यादान की संस्कृति को अपनाए जाने की अपील की। आज इस कार्यक्रम में विभिन्न महिला समूहों द्वारा जो स्टॉल तथा प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां इनमें एक ओर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं, वही हमारी जो मातृशक्ति है, उनकी प्रतिभा और कौशल से सभी को परिचित कराने का काम हो रहा है। हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हमारी मातृशक्ति द्वारा किए गए योगदान को कभी नहीं भूल सकते। आज हमको ये राज्य प्राप्त हुआ है तो हमारी मातृशक्ति के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, वो आंदोलन चाहे वो खटीमा का गोलीकांड हो, मसूरी का गोलीकांड हो या रामपुर गिराहा का संघर्ष हो, हम उसको कभी भुला नहीं सकते हैं। यह आप ही लोग ही हैं जो अपने परिवार का ही नहीं बल्कि अपने समाज और अपने प्रदेश के हितों का भी ख्याल रखती हैं। मेरा मानना है मातृशक्ति के सहयोग के बिना किसी भी समाज या किसी प्रदेश देश का विकास संपूर्ण नहीं हो सकता है। यही कारण है हमारी संस्कृति में अर्ध नारायणेश्वर की कल्पना की गई है और कहा गया है यत्र नारस्तु पूजन्तु रमंत्र तत्र देवता। मेरा मानना है कि जहां महिलाएं किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले लेती हैं तो उस कार्य को पूरा किए बिना वो कभी चैन से नहीं बैठती हैं, क्योंकि परिश्रम और लगन हमारी मातृशक्ति एक दूसरे के पूरक है। जिस भी राष्ट्र की मातृशक्ति शिक्षित हो, उस राष्ट्र का वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाला जो भविष्य है वह भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि आज हमारे नौनिहालों को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को अगर हमारे शिक्षकगण विद्यालय में शिक्षा देने का काम करते हैं तो उनको पहली शिक्षा और पहला संस्कार कोई देने का काम करती है तो हमारी माताएं बहनें करती हैं, जो उनके परिवार से शुरू होता है। जिस राष्ट्र की मातृशक्ति शिक्षित हो वो कभी भी पीछे नहीं रह सकता है, हमेशा उसकी प्रगति सुनिश्चित होती है। वैसे अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो मंत्र दिया है, उस मंत्र को मेरे बागेश्वर जनपद की मातृशक्ति ने अपनाकर न केवल बेटियों और हमारी बुआरियों को लाभ पहुंचाया है बल्कि उत्तराखंड का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। और 22 जनवरी का अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल का उद्घाटन बड़े जोरों शोरों से करने की तैयारी चल रही है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसे बनाने में रुड़की CBRI के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रुड़की CBRI के निदेशक के नेतृत्व में कई वैज्ञानिकों ने यह जानकारी दी। वैज्ञानिकों के अनुसार राम मंदिर में सरियों का इस्तेमाल नहीं किया गया है बल्कि पत्थरों को जोड़कर इस अनोखे स्ट्रक्चर को बनाया गया है। मंदिर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मंदिर का जो मेन टेंपल का स्ट्रक्चरल डिजाइन है वो काम किया है, और फाउंडेशन का जो डिजाइन वेटिंग है वो काम किया है, और जो सूर्य तिलक का मैकेनिकल डिजाइन वो काम किया है। अभी जो टेम्पररी स्ट्रक्चर में जो अभी जो मंदिर है उसका जो तिरपाल है वो भी CBRI ने किया है, और इसका स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग भी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो CSIR का भाग है
वो किया है। तो करीब 10 से 12 वैज्ञानिक इसमें काम किए हैं इसके अंदर। सर कितनी आईआईटी? 5 आईआईटीज इसमें सहयोग दिया है, वो एक्सपर्ट कमिटी के रूप में है, और सीएसआईआर का ही एक नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट करके एनजीआरआई, तो वो भी इसमें भाग लिया है। ऐसे जैसे डायरेक्टर सर ने अभी कहा कि इसमें 10 से 12 लोगों का टीम है, तो सीबीआरई में इसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन परफॉर्म किया गया जिसमें मैं इस पर लीड रोल में था, और इसका एस आर्किटेक्चरल जो सेफ है, आर्किटेक्चरल डिफरेंट जो एलिमेंट्स है उसको इंटेक्ट रखते हुए स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो अर्थक्वेक में 2500 साल का रिटर्न पीरियड का अर्थक्वेक के लिए उसको सस्टेन कर सकता है, इस टाइप का डिज़ाइन इसमें प्रोवाइड किया गया। पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कैबिनेट मंत्री के घर के बाहर दिए गए धरने पर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी समर्थन किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कोई भी लोकतांत्रिक कदम उठा सकता है। साथ ही बताया कि विधायक का धरना देना पार्टी के संज्ञान में है और पार्टी इसकी जाँच करेगी और विधायक से भी बात करेगी। मंत्री विधायक का अपना कार्य क्षेत्र होता है, विधायक अपनी समस्याओं के लिए मंत्री के पास जाता है, धरना भी करता है, प्रदर्शन भी करता है, समाधान उसी से निकलते हैं। लेकिन विषय अभी पार्टी के सामने संज्ञान लेंगे, चर्चा में आया, जानकारी में आया, तो उसका संज्ञान लेंगे, बातचीत करेंगे, स्थिति क्यों निर्माण हुई। और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से ये धरना दिया कहा गया है कि संज्ञान में है, और इस धरने पर उन्होंने कहा है कि आगे बात की जाएगी। अभी कैंथुरा हमारे से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभी ये धरना आखिर क्यों दिया जा रहा है, क्या इस पे कोई बातचीत हुई है अंदर खेमे में अभी तक? तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी के विधायक है पुरोला से दुर्गेश्वर लाल, उनकी तरफ से ये मंत्री आवास के बाहर धरना दिया गया था, और वो ये कह सकते हैं कि अपने क्षेत्र के कुछ समस्याओं को लेकर वन मंत्री के पास पहुंचे थे जिसमें उनका समाधान नहीं हो पाया था, और वन मंत्री की तरफ से जब इस पर जाँच की बात कही गई थी तो विधायक की तरफ से उस जाँच को मानने का इनकार यहाँ पर कर दिया गया था, और पूरे इस धरने के ये कह सकते हैं कि अपने समर्थकों के साथ मंत्री आवास के बाहर ही धरने पर बैठने का काम किया गया था। मामला तब जाकर खत्म हुआ जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर विधायक को उचित कार्रवाई का भरोसा यहां पर दिया था। विधायक की तरफ से अपने समर्थकों को मंत्री आवास से बाहर से उठाने का काम यहां पर किया गया, यानी धरना समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो मुख्य बिंदु इस बात इस धरने का रहा वो ये था कि विधायक की तरफ से जो वन प्रभाग जो यमुना अपर यमुना जो टॉन्स वन प्रभाग है वहाँ पर जो डीएफओ कार्यरत है और गोविंद वन्य जो बिहार में जो डीएफओ इस समय कार्यरत है उस दंपति को हटाने की मांग उनकी तरफ से की गई थी। उनका कहना था कि क्षेत्र में लोगों की जो आजीविका का साधन वो पर्यटन से जुड़ा हुआ है, पर्यटन में जो यहाँ पर लोग सैलानी आते हैं जो इस समय ट्रैकिंग करना चाहते हैं, जो वहाँ के जो भूग्याल हैं उन भूग्यालों के दर्शन करना चाहते हैं, उसमें जो टूर ऑपरेटर हैं उनको टूर ऑपरेटरों को परेशान करने का काम वन विभाग की तरफ से वहाँ पर किया जा रहा है, और उनकी ये मांग थी कि अगर टूर ऑपरेटरों को अगर वहाँ पर राहत दी जाती है डीएफओ की तरफ से जो कार्यकर्ताओं के या आम जनता के साथ वहाँ परेशानी वाला जो सबक अपनाया जाता है, कार्यकर्ताओं पर जांच की कार्रवाई की जाती है, उसको अगर बंद कर दिया जाता है तो फिर वहाँ पर जो क्षेत्र के लोग हैं वो खुशहाल रह सकते हैं, अपने विकास के काम वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वन विभाग के अधिकारी वहाँ पर काम कर रहे हैं क्षेत्र में, ऐसे में जनता भी परेशान है, जो विकास के काम है वो भी अधूरे वहाँ पर नजर आ रहे हैं, और ये मांग उनकी लगातार पिछले लंबे समय से रही है, लेकिन अभी तक उस मांग पर कोई उचित कार्रवाई वहाँ पर नहीं हो पाई है, जिसके कह सकते हैं कि जिसका खामियाजा वन मंत्री को भुगतना पड़ा और विधायक ने अपनी सरकार के मंत्री के खिलाफ हल्ला बोला। जी सरकार की तरफ से अभी तक क्या बयान निकल के सामने आया है? देखिए इस विधायक के इस धरना प्रदर्शन के बाद सीधे तौर पर कह सकते हैं कि भाजपा की जो मुश्किल है वो खत्म होने के बजाय और बढ़ने लगी है, क्योंकि एक एक करके पार्टी के ही जो विधायक है वो अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला यहाँ पर बोल रहे हैं, और कल बीजेपी विधायक का यह धरना भी तब जाकर समाप्त हुआ जब मुख्यमंत्री की तरफ से पूर्ण जाँच का आश्वासन यहाँ पर दिया गया। मुख्यमंत्री ने जब मुख्यमंत्री से विधायक दुर्गेश्वर लाल मिले थे तो मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया और कहा कि उचित कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, जो
जांच होगी, उस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर अधिकारी की तरफ से कोई मिसबिहेव यहाँ पर किया जाता है, किसी प्रकार से जनता को परेशान करने का काम किया जाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो ये समझा जा सकता है कि बिना मुख्यमंत्री के दखल के कोई भी यहाँ पर जो विवाद है वो विवाद सुलझता हुआ नजर नहीं आ पा रहा है। जब मुख्यमंत्री की तरफ से जांच का आश्वासन यहाँ पर दिया गया, तब जाकर विधायक ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया और अपने समर्थकों को मंत्री आवास से बाहर उठाने का काम यहाँ पर किया। लेकिन जिस प्रकार से इस समय भाजपा के कार्यकर्ता और विधायक अपनी सरकार के खिलाफ यहाँ पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, वो भाजपा संगठन के लिए चिंतनीय विषय कहा जा सकता है। क्योंकि आने वाला समय चुनाव का, ऐसे में अगर कार्यकर्ता विधायक नाराज नजर आते हैं तो फिर बीजेपी को कैसे बड़ी जीत यहाँ पर हासिल हो पाएगी। जी, बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल भी खड़ी हो सकती है ऐसे तो अभी। यही वजह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से इस पूरे मामले पर अब जांच की बात यहां पर कही जा रही है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जैसे ही इस पूरे प्रकरण की जांच यहां पर की जाएगी तो जो उचित कार्रवाई संगठन स्तर पर की जानी चाहिए वो यहां पर की जाएगी। अगर न्यायोचित मामला यहाँ पर नहीं लगता है, पार्टी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उनको परेशान करने का काम अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है, तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग संगठन स्तर पर भी की जाएगी। लेकिन अगर विधायक की तरफ जो व्यवहार वहां पर किया गया, उस व्यवहार में अगर किसी तरीके का गलत बर्ताव सामने आता है तो फिर ऐसे सामाजिक व्यक्ति को अपने व्यवहार में बदलाव करने की मांग यहां पर की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी कि किसी भी प्रकार से ऐसे अशोभनीय कार्य यहां पर न करें, ऐसा व्यवहार यहां पर न करें जो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए सभ्य व्यक्ति के लिए सभ्य नहीं कहा जा सकता है। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ रही है और आने वाले समय में चुनावी वर्ष में है, तो ऐसे में बीजेपी के जो पार्टी कार्यकर्ता उनको भी इस समय इन सब चीजों से बचते हुए नजर आना चाहिए। संगठन की तरफ से लगातार इस बात की हिदायतें भी वहां पर दी जा रही है। जी ठीक है, अभी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो बता दें कि उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। नीति घाटी में तापमान 0 से नीचे पहुंच चुका है। पहाड़ी इलाकों में धूप की आग मिचोली जारी है। मैदानी इलाकों में कोहरे के चलते बड़ी यह समस्या है। मौसम विभाग ने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। तो उत्तराखंड में लगातार ठंड कहर ढा रही है और सर्दी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी एकदम शून्य हो चुकी है। नीति घाटी में अगर बात की जाए तो तापमान 0 से भी नीचे पहुंच चुका है। पहाड़ी इलाकों में धूप आंख मिचोली खेल रही है और ऐसे में येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी हो चुका है। मैदानी इलाकों में कोहरे के चलते समस्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। पहाड़ी क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्र में कोहरे ज्यादा हो रहे हैं और विजिबिलिटी एकदम शून्य पे जा चुकी है। अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी क्या तापमान है, अभी क्या स्टेटस है मौजूदा मौसम का? बिल्कुल, अगर हम उत्तराखंड में मौसम की बात करते हैं तो मौसम का मिजाज इस समय बदला हुआ नजर आ रहा है। जो शुष्क मौसम यहाँ पर बना हुआ है, जिसके चलते कह सकते हैं कि चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो, वहाँ पर जो ठंड है, ठंड में इस तापमान में इस समय गिरावट नज़र आ रही है। लोगों की जो परेशानियाँ, खासतौर पहाड़ी क्षेत्रों में जो परेशानियाँ, वो और बढ़ती नज़र आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी खासतौर पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए ये अलर्ट यहाँ पर जारी हुआ। लोगों की ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए इस समय कहा गया है। जो गाड़ी चलाते हैं उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की इस समय आवश्यकता होगी। खासतौर पर सुबह शाम का जो समय है, उन समय में ज़्यादा सावधानी बरतने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। उत्तराखंड के इस समय कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो नीति घाटी इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित घाटी इस समय नज़र आ पा रही है। नीति घाटी में इस समय जो तापमान है वो 0 से नीचे यहाँ पर पहुँच चुका है। जो नदियाँ हैं या जो पानी के जो झरने हैं वो इस समय जमे हुए नज़र आ रहे हैं। यानी पूरी तरीके से जो पानी था वो बर्फ में तब्दील होता नज़र आ रहा है और जो आम जनता की जो मुश्किलें हैं वो इस समय बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा उत्तरकाशी का जो दुर्गम जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी जो क्षेत्र
वो भी इस समय ये कह सकते हैं कि बर्फबारी के चलते इस समय खासा परेशान वहाँ पर नजर आ रहा है। तो पूरे समूचे उत्तराखंड में इस समय कह सकते हैं कि ठंड का प्रकोप है और इस प्रकोप के बचने के लिए लगातार जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि वो अलाव की या फिर इस तरह की जो व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से की जाती है ठंड से बचने के लिए वो लगातार यहाँ पर करते रहें। अगर बजट की आवश्यकता है तो उस बजट को रिलीज करने का काम यहाँ पर शासन की तरफ से किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जनता की परेशानियाँ कम हो, किसी प्रकार से जनता की परेशानी आगे ना बढ़े और इस मौसम के जो दुश्वारियाँ हैं वो कम से कम यहाँ पर हो सके। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक है मौसम के जो बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है उसमें जो जनता की परेशानियाँ वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, ये कब तक ऐसे हालात रहेंगे? नहीं, अगर मौसम विभाग की माने तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अगले एक सप्ताह तक इसी प्रकार से लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में इसी प्रकार से शुष्क मौसम रहने वाला है। यानी जो तापमान है वो तापमान सामान्य से और नीचे होता हुआ नजर आएगा और लोगों की जो परेशानी वो बढ़ने वाली है। ऐसे में लोगों को जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए, चाहे गर्म कपड़े हों, उसमें खासतौर पर जो उम्रदार जो व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा सावधानियाँ बरतने की सलाह यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है ताकि उनकी परेशानी आगे ना बढ़ सके। इसके अलावा जैसे ही पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना यहाँ पर नजर आती है तो फिर यह संभावना अगले सप्ताह में ज्यादा नजर आती है। यानी कह सकते हैं कि अगले एक सप्ताह तक लोगों को इसी प्रकार से ठंड का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा और ज्यादा सावधानियों के साथ रहना होगा। जी, तो इंतजाम क्या है प्रशासन की ओर से प्रदेश में? जी बिल्कुल, ये क्या एक प्रशासन की तरफ से सरकार के निर्देश पर सभी जिलाधिकारियों को बजट आवंटित कर दिया गया है। यानी चाहे नगर पंचायत हो, नगर निगम का क्षेत्र हो या नगर पालिका का क्षेत्र हो, वहाँ पर उन क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्थाएं, जो रैन बसेरे हैं रैन बसेरों में कंबल्स आदि की व्यवस्थाएँ और गर्म पानी की उचित प्रबंध करने के लिए निर्देशित वहाँ पर किया जा चुका है ताकि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों की परेशानियाँ कम हो सके। इसके अलावा सामाजिक संगठनों से भी इस दिशा में सरकार से सहयोग करने की अपील यहाँ पर की गई है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। अगर कहीं पर आवश्यकता है तो उस आवश्यकता को पूरा किया जा सके ताकि लोगों की जो ठंड में जो परेशानियाँ वो यहाँ पर कम हो सके। तो प्रशासन अपने स्तर पर काम जरूर कर रहा है लेकिन जिस प्रकार के हालात उत्तराखंड में बन रहे हैं, मौसम में जिस प्रकार का बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो उसके देखते हुए कह सकते हैं कि आने वाले कुछ और दिन लोगों के लिए इस ठंड में और भारी गुजर सकते हैं। जी, विजिबिलिटी एकदम शून्य हो चुकी है अभी, और चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है ऐसे में एक्सीडेंट का काफी डर रहता है, तो ऐसे में यातायात की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है परिवहन निगम की ओर से? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो मैदानी जो क्षेत्र जहाँ पर घने कोहरे का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया उन क्षेत्रों में जो परिवहन यानी जो यात्रा करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। लेकिन पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को या ड्राइवर्स को जो सावधानी बरतने के लिए कहा गया, क्योंकि पालेग्रस्त जो क्षेत्र होता है वहाँ पर गाड़ी के फिसलने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती है, गाड़ियाँ ज़्यादा स्केट होती है, तो इसलिए उन सब चीज़ों पर ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। लोगों से खासतौर पर उम्मीद और लोगों को जो सलाह दी जा रही है यह कि रात के समय में या सुबह के समय में कम से कम वो इस यात्रा करने से बचें और जो परेशानियां हैं उस परेशानियों से बचते हैं काम यहां पर करें। कोहरे के समय में कह सकते हैं कि जो परिवहन विभाग की तरफ से जो इस समय एहतियात जो जारी किए गए उनके लिए कहा गया कि इस समय की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के अनुरूप लोगों को जो फॉग लाइट होती है उसको जलाकर चलना चाहिए, स्पीड को कम रखना चाहिए ताकि उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना घटित हो। लोगों से कोशिश ये की जा रही है कि अगर आवश्यक कार्य है तभी उस समय यात्रा करने के लिए कहा जा रहा है, नहीं तो यात्रा करने से इस समय लोगों को बचना चाहिए, खासतौर पर रात के समय या सुबह के समय में जब घने कोहरे की वजह से दृश्यता कम होती है, विजिबिलिटी कम होती है, उस समय यात्रा करने से लोगों को बचने की सलाह यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से भी दी जा रही है और परिवहन विभाग लगातार इसको लेकर अपनी गाइडलाइंस जारी कर रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तराखंड में प्रदेश सरकार इस समय दो बड़े काम करने की तरफ कदम आगे बढ़ा रही है, जिनमें से एक है राज्य आंदोलनकारी को क्षैतिज आरक्षण और दूसरा है यूसीसी। इन दोनों को लेकर ही प्रदेश सरकार जल्दी विशेष सत्र बुला सकती है और इस बात की पुष्टि खुद बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने की है। उन्होंने कहा है कि जल्दी विशेष सत्र बुलाया जाएगा, फिर चाहे यूसीसी को लेकर हो या राज्य आंदोलनकारी को क्षैतिज आरक्षण देने का मामला। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव को जीतने की तैयारियों में जुटी बीजेपी। इसी के चलते कल दून में बीजेपी के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों की हुई बैठक। 7 जनवरी को रणनीति बैठक का
होगा आयोजन। और आपको बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी करेंगे शिरकत, साथ ही बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी समेत सभी पूर्व सीएम, मंत्री, सांसद भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव की सभी पांचों सीटों को 75% मतों के साथ जीतने की रणनीति बिंदुओं पर होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी की बैठक हाल ही में काशीपुर में आयोजित की गई थी, जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि विधानसभा में विस्तार को पार्टी के पदाधिकारी और प्रकोष्ठों के साथ बैठक हुई। ये बैठक लोकसभा चुनाव केंद्रित बैठक थी। अब 7 जनवरी को लोकसभा चुनाव की कार्य योजना के लिए सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों के साथ बीजेपी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में यूपी के राज्यसभा सांसद और अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि 4 जनवरी को सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक देहरादून में होगी। लोकसभा की दृष्टिकोण से हमारी बैठक थी। पहले 2 दिन हमारे जो 70 के 70 विधानसभाओं के अंदर जो विस्तारक पूर्णकालिक जाने उनके साथ हमारा बैठना हुआ। उसके बाद हमारी 2 दिन की प्रदेश के पदाधिकारी प्रभारी और बाद में प्रदेश के हमारे जो प्रकोष्ठ बने उन प्रकोष्ठों के साथ पूरी पदाधिकारी बैठक हमारी रही है। मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव केंद्रित बैठक थी। लोकसभा चुनाव की दृष्टि लोकसभा की कार्य योजना के लिए हम लोग 7 तारीख को अपने सभी सांसद, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रीगणों के साथ हम बैठक करने वाले हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी राज्यसभा के सांसद और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष से उस बैठक में रहेंगे, हमारे दुष्यंत गौतम जी बैठक में रहेंगे। इससे पूर्व 4 तारीख को भिन्न भिन्न मोर्चों की हमारी अनेकों कार्यक्रम इस बीच आए हैं। मोर्चों की संयुक्त बैठक हम लोग 4 तारीख को यहाँ करने वाले हैं देहरादून के अंदर, और कार्यक्रम की श्रृंखला हमारी फरवरी मार्च तक के कार्यक्रम से। खबर उत्तरकाशी से, जहां पुरोला और नौगांव पहुंचे संकल्प यात्रा। इस कार्यक्रम में केंद्र व राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करे विभिन्न विभाग उपस्थित रहे। इन विभागों ने कार्यक्रम के स्टॉल भी लगाए गए, जिससे लोग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे, लाभान्वित हो सके। और दोनों स्थानों पर संकल्प यात्रा के दौरान लोगों ने विकसित भारत बनाने की शपथ भी ली। देहरादून से बड़ी खबर है, एस रणवीर चौहान को मिली है अहम जिम्मेदारी। UKDWIDCC के प्रबंध निदेशक का मिला है प्रभार। IAS पहले के विभाग का भी संभालेंगे कार्यभार। तो देहरादून से बड़ी खबर है, एस रणवीर चौहान को जिम्मेदारी मिली। UKDWIDCC के प्रबंध निदेशक का उनको प्रभार मिला है। ऐसे में बता दें, निदेशक का प्रभार जो मिला है, अब IAS पहले के विभाग का भी कार्यभार संभालेंगे। तो UKDWIDCC के प्रबंधक निदेशक का प्रभार जो है वो IAS संभालेंगे, और IAS पहले के विभाग का भी संभालेंगे कार्यभार। खबर देहरादून से है, जहां देशम परिवहन सचिव की आपात बैठक में अहम फैसले लिए गए। केंद्र सरकार के नए कानून के बाद हड़ताल के असर को देखते हुए परिवहन सचिव ने सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक बुलाई। बैठक में हुए फैसलों के अनुसार परिवहन निगम की बसें चलती रहेंगी। निजी ट्रांसपोर्टर चालक अगर अपने वाहन चलाना चाहता है तो उनको सुरक्षा दी जाएगी। साथ ही जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए गैस, पेट्रोल, डीजल आदि की आवश्यक सप्लाई सुचारू रखे। नगर निगम देहरादून में ऐप के माध्यम से भी टैक्स को जमा किया जा सकता है। नगर निगम के कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि ऐप के माध्यम से भी लोग बढ़ चढ़कर टैक्स को जमा कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। बात ऑनलाइन टैक्स जमा करने की करें तो प्रत्येक महीने 50 लाख से 1 करोड़ रुपया टैक्स जमा होता है, और अगर ऐप के माध्यम से बात करें तो ऐप के माध्यम से भी लोग टैक्स को बढ़ चढ़कर जमा करा रही हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमारा ऐप के माध्यम से, और ये ऑनलाइन भी लोग बढ़ चढ़कर टैक्स जमा करा रहे हैं, और प्रत्येक माह में लगभग हमारा जो है 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में हमारा जो है टैक्स ऑनलाइन भी जमा होता है और ऐप के माध्यम से भी लोग अपना जमा करा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।